अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रहा है। विपक्षी दलों ने भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए को चुनौती देने के लिए इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। इस मोर्चे में कुल 26 दल शामिल हैं। हालांकि इस बात पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है कि इंडिया गुट की अगुवाई कौन सा नेता करेगा। हालांकि चर्चा है कि मुंबई में होने वाली बैठक में ये मुद्दा हल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मूड ऑफ द नेशन ने एक सर्वे किया है जिसमें दिलचस्प आंकड़े सामने आए। सर्वे की माने तो राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने के लिए पहली पसंद है। सर्वे में भाग लेने वाले 24% लोगों का मानना है कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की अगुवाई करना चाहिए। दूसरे नंबर पर टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जबकि तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इन दोनों नेताओं के समर्थन में कुल 15% लोगों ने वोट किया है। बाकी लोग इस बात पर फैसला नहीं कर पाए हैं कि इंडिया गुट की अगुवाई करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होगा। इस साल जनवरी के मुकाबले राहुल गांधी के समर्थन में संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनवरी 2023 के सर्वे में केवल 13% लोगों ने राहुल गांधी को चुना था। दूसरी ओर केजरीवाल के लिए समर्थन 27% से गिरकर 15% हो गया है। ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के समर्थन में काम किया है, क्योंकि 44% लोगों ने कहा कि उनकी पदयात्रा के बाद से उनकी सार्वजनिक छवि में सुधार हुआ है, जबकि 33% लोगों का मानना है कि राहुल गांधी की छवि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 13% लोगों ने कहा है कि यात्रा के बाद उनकी छवि खराब हुई। विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर 34% लोगों ने इसे शानदार बताया, जबकि 27% लोगों ने इसे खराब कहा। 18% लोगों का मानना है कि ये अच्छा था, जबकि अन्य 15% लोगों का मानना है ये औसत था। लोकसभा सांसद के तौर पर राहुल गांधी की अयोग्यता पर 31% लोगों ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित था। हालांकि इतने ही यानी 31% लोगों ने कहा कि यह निष्पक्ष था, जबकि 21% लोगों ने कहा कि ये एक कठोर कदम था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।